नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी सादा ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग, वो भी आसान और सरल तरीके से। तो देखिए, जैसे हम ब्लाउज बनाते हैं तो नाप लेके बनाते हैं, या ब्लाउज का नाप लेके बनाते हैं। तो जैसे हमने अगर कस्टमर का ब्लाउज का नाप लिया है तो हमें कैसे नाप लेना है? तो देखिए, पहले तो हमें उसकी लंबाई, पीछे की लंबाई वो कितनी रखना चाहता है, क्योंकि कुछ लोग तो लंबाई रखते हैं 12 इंच की, कुछ लोग रखते हैं 13 इंच की। तो हमें पहले उसकी लंबाई का नाप लेना है। अब जैसे उसने कहा कि लंबाई हमें चाहिए 14 इंच, तो हम 1 इंच बढ़ा के लेंगे, 15 इंच लेंगे। अब चेस्ट की बात करें तो जैसे चेस्ट है उसकी 40, तो हम 40 पर निशान लगा लेंगे, 20 इंच। अब हमें इसमें गुंजाइश लेनी है, 2 या 3 इंच गुंजाइश लेंगे सिलाई के लिए, क्योंकि गुंजाइश जरूरी है। तो हमने यहाँ पे 2.5 इंच ली है गुंजाइश। तो ये हमारी चेस्ट हो गई, ये हमारी लंबाई हो गई। तो अभी हम यहाँ से चेस्ट की कटिंग कर लेंगे। संग के संग मैं आपको नाप भी बताती जा रही हूँ और कटिंग भी। अब देखिए, अब हम इसको ऐसे लंबाई में डबल करेंगे। अब देखिए, जैसे हमारी लंबाई है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हमें कस्टमर की लंबाई है 13 इंच, उसने नाप दिया है 13 इंच का, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 1 इंच बढ़ा के, तो 14 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। और ये हमारी चेस्ट हो गई। अब इसको देखिए ऐसे करेंगे, ऐसे करके। अब देखिए, पीछे का पल्लर हमारा यहाँ तलक है, आगे का पल्लर हमें 1 इंच ज़्यादा लेना है सादा ब्लाउज में। अगर तीरा वाला बनाएंगे तो 1.5 इंच लेंगे। अब हमारे ऐसे शोल्डर है 12 इंच, तो हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। आरूमल वो भी 6 इंच लेंगे और एक चौकुटा निशान बनाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से गोलाई इस तरीके से। अब पीछे का पल्ला निकाल लेंगे, ये हमारा पीछे का है, ये आगे का है। तो आगे का यहाँ पे हम आधा आधा इंच कटिंग करेंगे आरूमल की। अब देखिए गले की कटिंग करनी है। अब गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच, गले की लंबाई लेंगे 6 इंच, चौकुटा निशान, उसके बाद यहाँ से गोलाई, और इसमें लगाएंगे हम अपने टक्स का निशान। तो टक्स का निशान आएगा यहाँ पे 10 इंच पे, ये 10 इंच पे हमारा टक्स का निशान हो गया। अब हमें नीचे की जो प्लेट है उसका निशान लगाना है, और इसकी जो प्लेट है वो तो हम यहाँ पे लगा लेंगे 10 इंच पे, इसी के बराबर। अब देखिए हमारा जो फिटिंग का कपड़ा है वो निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारा 10 इंच आ रहा है फिटिंग का कपड़ा। अब 10 इंच का आधा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 इंच, और यहाँ से ऐसे करके इसे गहराई में डालना है हमें, यानी कि इसको डबल करके 1 इंच ले लेंगे। अब बगली की प्लेट यहाँ पे लेंगे 3 इंच, और यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेंगे। आरूमल का देखिए निशान यहाँ पे आएगा, आरूमल का निशान आपको देख के लगाना है, यहाँ पे लगाना है। अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो ये ऊपर की साइड आएगा, यहाँ पे लगाएंगे तो ये नीचे की साइड आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये 7.5 इंच पे आ रहा है। तो अब पहले हमें गले की कटिंग करनी है, और दूसरी साइड भी ऐसे ही निशान लगा लेंगे इसको ऐसे करके। सादा ब्लाउज बनाना बहुत ही आसान है, बस प्लेट डालने का शेप अच्छे से आना चाहिए। इस तरीके से दोनों साइड हमारे निशान लग गए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कपड़ा है साड़ी का उसको रख लेंगे। अब देखिए इसकी चौड़ाई इतनी है, और लंबाई जितना साड़ी का जो होता है उतनी लंबाई है इसकी, और चौड़ाई इतनी है। तो अब हम इसको डबल कर लेंगे, अच्छे से डबल करना है हमें इसे। अब देखिए यहाँ पे बंद वाली साइड है, तो यहाँ पे रखेंगे हम अपना पीछे का पल्लर। पीछे के देखिए यहाँ पे भी हमें गले की चौड़ाई लेनी है 2.5 इंच, गले की लंबाई 9 इंच। अगर आप 8 इंच का रखना चाहें, 7 इंच का रखना चाहें, तो आप छोटा भी बना सकते हैं। और इसमें ऐसे गोलाई में पहले चौकुटा निशान बनाना है, फिर गोलाई में। अब यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो खुली वाली साइड है यहाँ पे रखेंगे हम आगे का पल्लर।
अब हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, इस तरीके से रखना। पहले यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे पूरे पे, फिर कपड़े की कटिंग करेंगे अस्तल के बराबर। और दूसरा पल्लर है, इसको भी ऐसे ही रखना है। जोड़ते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि ये गला इस तरीके से आना चाहिए। जो नए लोग हैं वो शुरू से देख रहे हैं तो वो अच्छे से समझ लें। ये देखिए ये गला है, तो यहाँ पे हमें ऐसे गले पे रखना है और यहाँ पे पूरे पे सिलाई लगानी है। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे अस्तल के बराबर। तो अब बाजू की कटिंग होगी। अब देखिए ये बाजू का जो बॉर्डर है, तो यहाँ पे ये बॉर्डर लगा हुआ है, तो इसकी हम कपड़े की चौड़ाई देखेंगे पहले कितनी चौड़ाई है। अब देखिए यहाँ पे कपड़े की चौड़ाई 14 इंच है, और जैसे हमें बाजू की लंबाई चाहिए वो चाहिए 12 इंच, तो यहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे 12 इंच पे। अब देखिए इसकी हमें चौड़ाई बढ़ानी है, वो देखिए कैसे बढ़ाएंगे। तो इसकी जो यहाँ पे चौड़ाई मैंने आपको बताई है कितनी है, 14 इंच है, तो इसको देखिए ऐसे डबल कर लेंगे। अब यहाँ पे कटिंग का निशान लगाएंगे, 3 इंच लेंगे यहाँ से, और इसको देखिए ऐसे ऊपर की साइड लेके जाएंगे इस तरीके से। अब ऊपर देखिए हमने कितना छोड़ा है यहाँ पे, 1.5 इंच। अब यहाँ पे हमें कटिंग करनी है। अब देखिए यहाँ पे हमें चौड़ाई बढ़ानी है, दोनों बाजू है। अब ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हमें पट्टियां निकालनी है। क्योंकि कपड़े की चौड़ाई कम है तो हमें इसी तरीके से बाजू की चौड़ाई बढ़ानी है। तो देखिए 4 पट्टियां हैं, तो इसकी जो चौड़ाई है पट्टी की वो है 4 इंच, 4 इंच की चौड़ाई है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से इसको जोड़ेंगे और ये दूसरी साइड से जोड़ेंगे। इसके बाद हम इसको ऐसे करके इस तरीके से करेंगे, सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे इसको जोड़ लिया। अब देखिए ये बराबर लग रही है कटिंग। अब इसको आरूमल के ऊपर रख के पहले नापेंगे, और यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इस तरीके से ऐसे कटिंग कर लेंगे। इसको जोड़ने के बाद करना है, पहले यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब मोरी तो देखिए हमारी ये काफ़ी है, जैसे हमें मोरी चाहिए 12 इंच, तो 6 इंच यहाँ पे हो जाएगा, और इसको ऐसे करके हमें ऐसे सिलाई में दबा देंगे। तो इससे क्या है, गुंजाइश भी मिल जाएगी और कपड़े की जो मजबूरी होती है कम चौड़ाई है, तो इसी तरीके से निकाला जाएगा ब्लाउज। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।